अस्सलाम वालेकुम जी। कल एक अहम मुलाकात हुई है लाहौर में चेयरमैन पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान, और उस मुलाकात के बाद जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। उनमें सबसे पहली और अहम चीज़ ये है कि उन्होंने ऐलान किया पीसीबी चेयरमैन ने कि अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतता है तो टीम के हर एक प्लेयर को जो है $1,00,000 जो है वो दिए जाएंगे, जो कि तकरीबन 28 मिलियन रुपीज़ बनते हैं पाकिस्तानी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मज़ीद जो एक बात कही वहाँ पर और बहुत अहम वो बात है, वो है रिगार्डिंग चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के। रूमर्स ये चल रहे थे कि शायद इंडिया जो है वो ट्रैवल ना करे पाकिस्तान 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन बीसीसीआई का तो ये कहना है कि अगर हुकूमत हमें इजाज़त देती है तो फिर हम जाएंगे पाकिस्तान। ठीक है, वहाँ पे जब इस बारे में सवाल किया गया चेयरमैन पीसीबी से तो उन्होंने यही कहा कि 8 की 8 टीम्स जो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही हैं वो सभी पाकिस्तान आएंगी और पाकिस्तान में खेलेंगी, जो कि यू कैन से एक क्लियर कट उनका जवाब था और बहुत अच्छी बात है। अगर इंडिया पाकिस्तान आती है तो क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे के बाद एक बड़ा इवेंट जो है वो यू कैन से होस्ट कर रहा है, तो ये हमारा जो टूर्नामेंट है ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा। इंडिया एक जारी बात है कि बड़ी टीम है, अच्छी टीम है, इस वजह से। फिर नेक्स्ट जो बात उन्होंने की वो बाबर आजम की कप्तानी के बारे में, उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक जो है वो बाबर आजम कप्तान रहेंगे। इसके बाद उस वक्त की जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी कि उन्हें कप्तान मजीद रखना है या नहीं रखना। एक तरह से सेफ हो गए बाबर आजम अगले 1-1.5 साल के लिए, और अच्छी बात है। टाइम देना चाहिए किसी भी कप्तान को, और जब टाइम देंगे तब तभी उनका जो है यू कैन से कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल रहेगा। इसके बाद उन्होंने प्लेयर्स को ये भी कहा कि आप जाएं और अपने आप को एक्सप्रेस करें, टीम वर्क दिखाएं और टूर्नामेंट जीत के आएँ। अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार उन्होंने किया, जो कि खुशाइन बात है। तो ये कुछ आम खबरें थी जो इस मुलाकात के बाद जो है आप सामने आई हैं। खैर, पाकिस्तान टीम जो है वो डिपार्चर कर चुकी है आयरलैंड के लिए, आयरलैंड के बाद वो इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड से जो है वो जाएंगे जी USA फॉर द वर्ल्ड कप।